तो बड़ी खबर आपको बता दें, उधर बिहार विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी ने तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की है। बिहार में विधानसभा सत्र और ऐसे में आप देखिए विधानसभा के बाहर भ्रष्टाचार को लेकर यहां हंगामा, बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। पोस्टर्स बैनर्स लिए आप देख सकते हैं बीजेपी के तमाम नेता जो कि विधानसभा के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर ये बीजेपी का प्रदर्शन आप देख रहे हैं जो कि विधानसभा के बाहर आपको दिख रहा है, तमाम विधायक बीजेपी के। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार 100% भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब ये जो है सीबीआई और ईडी को रोकने की बात कर रहे हैं, इसलिए ऐसे सरकार का हम लोग खिलाफ कर रहे हैं। और क्षमता है तो बिहार सरकार जो है ऐसा प्रस्ताव सदन में ला के दिखाए, ईडी और सीबीआई को बिहार में रोकने का काम करेंगे। और सपना जो है तेजस्वी जी का चकनाचूर नीतीश जी कर देंगे, नीतीश जी कभी इसके पक्षधर नहीं हो सकते। और मेरे सहयोगी सौरभ मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं पटना से। सौरभ, तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगातार बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। एक तरफ संसद में हम देख रहे हैं ईडी सीबीआई की जो लगातार कार्रवाई हो रही है उसको लेकर विपक्ष यहां सवाल उठा रहा है, तो पटना में तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग की जा रही है। फिलहाल क्या तस्वीरें? जी बिल्कुल, बीजेपी की जो बीजेपी का जो विरोध प्रदर्शन है सदन के अंदर वो लगातार जारी है और 12 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद सदन की अभी कुछ देर पहले ही शुरुआत हुई है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार जब से सीबीआई और ईडी की जो जांच हुई है, जो पूछताछ हुई है, जिस तरीके से सीबीआई ने राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की थी और उसके बाद ईडी की जो छापेमारी हुई है, तो इसको लेकर लगातार बीजेपी यह डिमांड कर रहा है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले उन्हें अपने ऊपर जो उन पर आरोप लगे हैं उसको पहले ये करना चाहिए, उसे क्लीन चिट लेना चाहिए, उसके बाद ही उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने का या रहने का उनका कोई भी ये है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरीके से बवाल शुरू होने का मेन आज जो कारण है वह ये है कि आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर झारखंड की बात करें या पंजाब की बात करें, जिस तरीके से वहाँ है, वहाँ सीबीआई पर बैन लगा हुआ है कि अगर सीबीआई राज्य में अगर प्रवेश करती है तो बिना स्टेट गवर्नमेंट के इजाजत के वो नहीं आ सकती है। इस तरीके का अध्यादेश अब बिहार में लाने की जरूरत है। हालांकि जदयू की माने या आरजेडी की माने तो आरजेडी भले ही इस अध्यादेश की मांग कर रही है लेकिन कांग्रेस और जदयू इसका समर्थन नहीं कर रही है। बीजेपी भी इस मांग को लेकर आज विरोध कर रही थी सदन के अंदर। उनका यह कहना था कि एक तो आप भ्रष्टाचारी हो और ऊपर से आप चाहते हो कि ऐसा अध्यादेश लाया जाए जिसके कारण सीबीआई की एंट्री ही ना बिहार में हो। ठीक है सौरभ, ठीक है, बने रहिएगा। फिलहाल प्रदर्शन जारी है, कार्यवाही स्थगित है बिहार विधानसभा की। अब फिलहाल आप बने रहिए, आगे आपसे इस पर अपडेट्स लेंगे। बहुत बहुत नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.